नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटवा लाइव सिविल इंजीनियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दिखाने जा रहे हैं क्लेरी फ्लोक्यूलेटर, जिसको CLF बोलते हैं, जिसका फंक्शन है ये दो टाइप के जोन को मिलाकर बनाया जाता है। एक क्लेरी फ्लोक्यूलेशन, एक तो हो गया क्लेरीफायर और एक हो गया फ्लोक्यूलेशन। अब क्लेरीफायर जोन कौन सा होता है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, क्लेरीफायर जोन कौन सा होता है। तो एक क्लेरीफायर जोन है और ये हो गया फ्लोक्यूलेशन जोन। अब फ्लोक्यूलेशन कैसे होता है, ये देखिए, इसमें जैसे पानी आता है अंदर से कैस्केड एरेटर से इनलेट में आता है, फ्लस मिक्सचर में पानी आता है, उसके बाद फिर ये सेंट्रल शाफ्ट है। ये जो कंक्रीट का देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये सेंट्रल शाफ्ट कहलाती है। इसके चारों तरफ होल रहते हैं, तो अंदर से जो पानी आता है जब ये फ्लस मिक्सचर के लेवल तक पहुँचता है, इसका लेवल ये होल का और फ्लस मिक्सचर का लेवल सेम होता है, जब उस लेवल तक पानी पहुँचता है तब इसमें से पानी बाहर आना शुरू होता है। इसी में से पानी जब आता है तब ये मेरा CLF भरना चालू होगा। आप देख सकते हैं पहले हमारा पानी आएगा फ्लोक्यूलेशन जोन में आएगा। तो इसको क्या है, ये देख सकते हैं आप, स्क्रैपर लगे हुए हैं MS के दो साइड, इनके ऊपर मोटर है, एक इसके लिए और एक इसके लिए, दो मोटर लगा हुआ है। इसके द्वारा, इस मोटर के द्वारा इसको हम घुमाएंगे और ये घूमता रहेगा, उससे क्या होगा, हमारा जो वाटर है इसमें से गिरेगा सेंट्रल शाफ्ट में से, तो ये वाटर को मिक्स करेगा, ये जो इम्प्योरिटीज हैं पत्ती वगैरह ये सबको मिक्स कर देगा। तो जो मोटा मोटा जो कचड़ा है वो नीचे बैठ जाएगा इसके फ्लोक्यूलेशन जोन में। तो ये जाके हमारा इसके इधर में इसका कनेक्शन है टेलीस्कोपिक चैम्बर में, एक स्ट्रक्चर है इससे ज्वाइंट है, इसके अंदर में एक पाइप गया हुआ है तो टेलीस्कोपिक चैम्बर तक आया। इस टेलीस्कोपिक चैम्बर से हम एक स्लज पिट चैम्बर बनाएंगे, जिसमें हमारा स्लज, जो भी मोटा मोटा जो कचड़ा रहता है जो पानी में नहीं तैर सकता, उसको हम स्लज बोलते हैं, उस स्लज को हम एक स्लज पिट चैम्बर में कलेक्ट करके उसको डिस्पोज कर देंगे। ये हो गया फ्लोक्यूलेशन जोन का काम। अभी अब इसके बाद देख रहे हैं आप, ये स्क्रैपर आर्म बोलते हैं इसको, स्क्रैपर आर्म है, वो स्क्रैपर थे, इसके आर्म है। ये भी इधर हमको क्लेरीफायर करना है तो इसको ही मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सा कचड़ा नीचे जम जाता है, नीचे जम जाता है, तो उसको मिक्स करने के लिए एक क्लेरीफायर है। इसके लिए भी एक मोटर है चलाने के लिए, देखिए ये मोटर लगा गया है। एक ये प्लेट है, इसमें प्लेट है MS का, उसके ऊपर ये पूरा राउंड के रूप में ये पूरा घूमेगा, राउंड मारेगा। तो अभी आप ये देख रहे होंगे MS का ये नोच टाइप का लगाया गया है, ये पेरीफेरल वियर है। तो क्या होता है, ये जैसे कचड़ा अभी मेरा पूरा अभी CLF भरा नहीं है, जब ये पूरा भरेगा तो ये ऊपर आएगा, तो इसमें क्या होगा, ये पत्ती वगैरह है और जो कचड़ा है वो ये रोक देगा और पानी को फिर इसमें जाने देगा। अभी पानी आएगा हमारा, ये जब फुल भरेगा तो मेरा लॉन्डर के लेवल तक बनना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लॉन्डर वाल। ये देख रहे हैं आप 400 का गैप है, जो लॉन्डर वाल हो गया उसके नीचे वो लॉन्डर स्लेब हो गया। तो इसमें से पानी मेरा भर के ये जो जा रहा है ड्रेन, इसमें से होके ये फिल्टर बेड में जाएगा। फिल्टर बेड पर जाने का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और जो कुछ डाउट हो आप हमको बताते रहिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संतोष पटवा लाइव सिविल इंजीनियर में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।